नहीं, शुभमन भाई ये आपने अच्छा नहीं किया। 14 महीने हमने इंतजार किया रोहित शर्मा को T20Is में खेलता हुआ देखने के लिए और आपने एक सेकंड नहीं लिया रन आउट कराने में। ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट, लिटरली बंदा हिला ही नहीं और रोहित भाई बिना स्कोर करे निकल लिए। यार इंडिया ने अफगानिस्तान को ये फर्स्ट T20I हरा दिया, इस बात की खुशी मनाओ या फिर रोहित शर्मा का कमबैक नहीं देख पाया उस बात का दुख मनाओ। सेकंड इनिंग्स की दूसरी बॉल रोहित भाई की कॉल सिंगल लेने के लिए, बंदा एक एंड से दौड़ता है और शुभमन गिल दूसरे एंड पे खड़े है बॉल को निहारते हुए। भाई मुड़ के तक नहीं देखा शुभमन ने, बस फिर क्या था, दोनों एक ही एंड पे खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। शुभमन भाई सोच रहे थे कहां से इलाज करवाऊंगा और रोहित भाई सोच रहे थे कि इसके ही बैट से इसकी कौन सी वाली टांग तोड़ू। बड़ी जवानी चली है तेरे अंदर, क्या क्या कर रहे हो आप? सुनने में आ रहा है कि शुभमन गिल ने उस समय रोहित शर्मा की आंखों में अपने लिए ऐसा गुस्सा देखा कि बंदा आउट होने के बाद सीधा अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जाके बैठा है, वहाँ ज्यादा सेफ फील कर रहा था। इतना गुस्सा तो रोहित भाई को हार्दिक पांड्या को देख के नहीं आता होगा जितना अपने ही ओपनिंग पार्टनर को देख के आएगा। पर रोहित भाई मैं तो कहूंगा पॉजिटिव साइड देखो ना, 10 डिग्री की ठंड पड़ रही है, कुल्फियां जम रही है, सबकी हालत टाइट हो रही है, छोटी टीम के अगेंस्ट स्कोर करके वैसे भी क्या मिलेगा, अच्छा हुआ रन आउट हो गए, डगआउट में जाके कंबल में आराम से चेज देख के आ रहे हो हमारी तरह। मतलब ठीक है रन वन मारना अलग बात है लेकिन कंबल में मैच देखना एक अलग ही सुकून है। बात तो सही है। और चलो इसी बहाने रोहित शर्मा के लिए सिरदर्दी भी खत्म हुई इस सीरीज में। हम यहाँ सोच रहे थे कि जब विराट कोहली वापस आ जाएंगे, यशस्वी जायसवाल भी ठीक होके वापस आ जाएगा तो कौन खेलेगा, ये लोग किसको बिठाएंगे, सब अच्छे प्लेयर्स है, सबको ट्रायआउट करना चाहिए। बट शुभमन भाई के इस कारनामे ने ये काम आसान कर दिया है। अब सबको पता है कौन पूरी सीरीज पानी पिलाने वाला है और मैं तो कहूंगा गिल भाई अब आप कोई ट्रिप ट्रिप प्लान कर लो जून जुलाई में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी अब आप टीवी पे ही देखने वाले हो। भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी किसी जात विवाद में मैं कभी नहीं घुसूंगा, मेरे से गलती होगा। भाई मेरे को बहुत मारा नहीं, मेरे को रोहित भाई अभी भाई ने पकड़ के मेरे को समझाया कि नहीं। यहाँ शिवम दुबे रिंकू सिंह मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए टीम में अपनी जगह बनाने के लिए वर्ल्ड कप के लिए और गिल भाई लात मार के आ गए। इस रनआउट को देख के माही भाई के वो खूबसूरत शब्द याद आ रहे हैं जो कि अगर रोहित भाई ने भी बोल दिए होते तो शायद वो ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला लेके ना घूम रहे होते आज। 34 of his 3.1 was so far. But भाई all jokes aside, भाई से गलती हो गई, part of the game है, कोई बात नहीं। रोहित भाई ने भी माफ कर ही दिया था। And मुझे पता है कुछ रोहित फैंस जो बहुत गुस्सा थे वो गिल के इंस्टाग्राम गए होंगे कुछ शायरियां लिखने। लेकिन दोस्तों ऑनेस्टली बोलूंगा गिल ने इसके बाद काफी अच्छा खेला मेरे हिसाब से। टारगेट छोटा सा ही था, मतलब 160 के अंडर था, चाहे तो बंदा रह के अपनी 50 कंप्लीट कर सकता था, लेकिन 190 के स्ट्राइक रेट से इंटेंट के साथ रन मारे है और वो भी सेल्फलेसली। आई मीन इन ऑल फेयरनेस अगर रोहित भाई खेलते तो वो भी ऐसा ही खेलते। एंड रोहित भाई आपके लिए तो बेटर होगा, विराट भाई की वेट कर लो, वो आएंगे तो दोनों साथ में खेल लेना। एंड फर्स्ट T20 में तो पर्सनल रीजंस की वजह से अवेलेबल नहीं थे विराट भाई, लेकिन सेकंड T20 में मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल है। एंड रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि शायद विराट और रोहित ओपन भी कर सकते हैं T20Is में, जस्ट टू ट्राई आउट सम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। गिल भाई की हरकतों के बाद लग रहा है ये भी हो ही जाएगा। बताओ भाई मैंने क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया था, मेरे भी लगा दिए गिल ने, ये तो अच्छा हुआ। यहाँ पे अगर खराब टीम में बनाओ तो मेगा कॉन्टेस्ट में तुम हारते नहीं हो, मतलब लास्ट रैंक आने पे भी तुम विनिंग्स लेके ही निकलते हो। यार थोड़ा सा रिस्क ले लूंगा, रोहित शर्मा को फिर से सेकंड T20 के लिए कैप्टन बना रहा हूँ। तुम भी क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अपनी सेकंड T20 के लिए टीम बना लेना। विराट कोहली वापस आ रहे हैं, इंडिया सीरीज भी जीत सकती है तो अच्छा मैच होने वाला है। सेम नो रिस्क मेगा कॉन्टेस्ट इस मैच के लिए भी अवेलेबल है, जहां जीतने पे 7 लाख तक का प्राइज है, हाला फॉर अ रीजन। और लास्ट रैंकिंग आने पे भी तुम विनिंग्स लेके निकलोगे, यानी 100% विन गारंटी। इसके अलावा यहाँ पे और भी डिफरेंट कॉन्टेस्ट अवेलेबल होते हैं, इनफैक्ट डिफरेंट मैचेस पे भी कर सकते हो, जैसे BPL के मैचेस चल रहे हैं उस पे भी अपनी टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट का ही फैंटेसी अवेलेबल है और कोई स्पोर्ट्स की कोई भसड़ नहीं है, इसलिए मेरे और तुम्हारे जैसे क्रिकेट फैंस के लिए ये ऐप परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और मेरा कोड पाहुल यूज करके साइन अप करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस मिल ही जाएगा। बाकी सेकंड मैच की फुल टीम मैं तुम्हें एंड में दिखा दूंगा या फिर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसीलिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। एक सेकेंड, किसका कॉल आ गया? हेलो, हाँ क्या बात कर रहे हो? अरे गाइस अभी अभी कुछ सूत्रों से पता लग रहा है कि हार्दिक पांड्या जिम करते हुए चोटिल हो गए हैं और इस बार कह रहे हैं चोट एंकल पे नहीं दिल पे लगी है, शिवम दुबे का स्कोर कार्ड देख के।
यू हार्दिक भाई हिला डाला ना, कंपटीशन मार्केट में आ चुका है फाइनली भाई, फाइनली एक ऑलराउंडर बैट्समैन जो बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, 60 रन मार के मैच तो जीता है, इनफैक्ट बंदे ने विकेट भी निकाल ली। ऑल हेल लॉर्ड दुबे। मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में कहा ही था कि इस सीरीज के लिए मुझे लगता है शिवम दुबे, तिलक वर्मा, ये जितेश शर्मा जैसे यंगस्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको चांस देना बहुत जरूरी है। एंड दुबे की परफॉर्मेंस देख के डेफिनेटली लग रहा है कि बंदा ट्राई मार रहा है, एकदम विंटेज यूवी पाजी की याद दिला दी यार बंदे ने। बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया, फिर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया, सिक्सेस बढ़िया मारता है, साथ में स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, फुटवर्क थोड़ा डिबेटेबल है लेकिन स्टाइलिश लेफ्टी बैट्समैन है भाई, क्या लंबे सिक्सेस मारता है। एंड माना बॉलिंग हार्दिक पांड्या की लेवल की नहीं है लेकिन एटलीस्ट पूरा टूर्नामेंट तो खेलेगा। नहीं नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि रोहित भाई दुबे को एज अ बॉलर भी ग्रूम कर रहे हैं ताकि वो माही भाई की हेल्प कर सके पांड्या को अगला आईपीएल हराने में। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। खैर देखो माना ये कोई ऑपोजिशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी नहीं हमारी टीम के लिए, लेकिन फिर भी शिवम दुबे ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है जो कि उसके चांसेस को बेटर करती है, और फिर 7 बाउंड्रीज मार के बंदे ने मैच भी फिनिश किया। द मैसेज इज क्लियर यार भाई, वो नहीं वहाँ बच जा, यही कि बंदा T20 वर्ल्ड कप के लिए मेहनत कर रहा है, तुम्हें क्या लगा? गजब टूबीबाज आदमी थाला फरारी, गजब भोस। मोस्टली रन तो दुबे ने मार दिए थे, फिर जितेश शर्मा ने भी एक अच्छा कैमियो खेला और बचे हुए रन अपने रिंकू सिंह मार के चले गए। भाई का भाई सेम चलता है यार, रोज उठो नहाओ मैच फिनिश करो फैंस का दिल जीतो और फिर सो जाओ। पर ये क्या रिंकू भाई, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में थाला की तारीफ कर दी, आप भूल रहे हो क्या कि अब KKR के कोच गौतम गंभीर बन चुके हैं? ये सब बातें अब आपके मुंह से उनको अच्छी नहीं लगती। भाई मैं तो बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ अगले मैच का, क्योंकि रोहित, विराट और रिंकू अगर एक साथ खेलेंगे तो टीम कैसा खेलेगी ये देखना है मुझे। यही कुछ चंद प्लेयर है जो थोड़ा सा होप दे देते हैं फिर से हम फैंस को अगले टूर्नामेंट के लिए, और क्या। वैसे विराट कोहली से याद आया, नवीन भाई कैसा का है, आपको क्या लगा हमारे किंग से हाथ मिला लोगे, उनसे दोस्ती कर लोगे तो हमारी बाकी टीम आपको छोड़ देगी? देखो मार तो तब भी पिटेगी और अभी तो कोहली का भी आना बाकी है। वैसे अपनी बॉलिंग की बात करें तो डिसेंट ही थी, अफगानिस्तान कोई बहुत क्रेजी साइड नहीं है और राशिद खान भी नहीं था इनकी टीम में इस बारी, तो ठीक ठीक परफॉर्मेंस दे दी सबने। अब यही अगर आवेश खान खेल रहे होते तो क्या पता हमें एक 200 प्लस स्कोर चेस देखने को मिल जाती, बट ठीक है। अर्शदीप ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करी थी, इनिशियली काफी अच्छा था, और अक्षर पटेल भाई मैं तो कह रहा हूँ ये बंदा बहुत एक्साइटिंग है और बहुत काम आने वाला है अपने लिए। बाकी कुछ खास तो हुआ नहीं इस मैच में, वही यूजुअल संजू सैमसन का होते हुए भी उसको ना खिलाना, तुम लोग चौंक गए थे क्या? मुझे तो आदत सी हो गई है, पता ही है अगर वर्ल्ड कप के लिए कीपर ले जाना हो तो ये ऋषभ पंत को एक टांग पे ले जाएंगे लेकिन संजू की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। खैर आई होप कि नेक्स्ट मैच में उसको चांस दे, बिकॉज आई एम श्योर ये सिर्फ आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे संजू सैमसन को तो नहीं लेके जाने वाले। अब विराट भाई भी अगर टीम में आ जाते हैं तो सेकंड T20 के लिए मेरी टीम ये होने वाली है, गिल की जगह जायसवाल को डाल रहा हूं, तिलक की जगह विराट, एंड आई थिंक जितेश की जगह संजू आ सकता है। कोच रविंद्र ने पहली बार एक इनोवेशन करी है, न्यू बीमारी सोच के आए हैं, ग्रोइन पेन जो यशस्वी जायसवाल को इस मैच में हुई थी, लग रहा है ये लोग बैक स्पैज़म से आगे बढ़ गए हैं। अब अगर ये ठीक हो जाती है तो जायसवाल अगले मैच में आ जाएगा, बट आई रियली फील कि आई थिंक इन्होंने जायसवाल को तो साइड कर ही दिया है कि ये बंदा तो जा रहा है, बिकॉज लेफ्टी है, एक्सप्लोसिव है और ओपनर है, तो हो सकता है जायसवाल को साइड किया जाए एंड रोहित विराट से ओपनिंग कराई जाए ताकि और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना पाए और एक बंदे को चांस दे पाए, मे बी संजू सैमसन। तो अगर ये दोनों ओपनिंग करते हैं तो मेरा कॉम्बिनेशन ये होने वाला है, तुम लोग अपने चेंजेस मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे मेरी फाइनल टीम ये होने वाली है, तुम लोग डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, आज से कॉन्टेस्ट भर जाएगा पूरा, फिर मुझे मत बोलना। मेरे को तो ये बात सोच के हंसी आ रही है कि अगले मैच में अगर किसी भी रीजन से चाहे कुछ भी हो जाए गिल बाहर बैठ जाता है तो सबको पक्का से पक्का यही लगने वाला है कि रोहित भाई ने जान के निकाला इसको। खैर ये अफगानिस्तान वाली स्क्वाड में KL राहुल जो नहीं है ना, उस बात का दुख मुझे सता रहा है, तो इस पे एक रील बना के डाल दी थी, उस पे जाके कमेंट्स कर देना अगर तुम्हें अच्छी लगी हो, और लाइक तो देना एंड शेयर वगैरह भी कर देना, फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट T20 के बाद, अगर अभी तक आईपीएल वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।